आप लोग भी देखिए यहाँ कितनी बड़ी लड़ाई है, एक करोड़ों रुपए की संपत्ति है और यहाँ अलग अलग ग्रुप लड़ाई लड़ रहे हैं संपत्ति के लिए। तो आप लोग तो कुछ नहीं, इतने परिवार हो भैया, आपकी संपत्ति आप तो किसी का कब्जा करके नहीं बैठे हो, अपने अपने घर में इतना इतना रह रहे हो। अगर प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि भाई खराब जगह है तो आप भी आके देख लो भैया, दो चार दिन इस जगह का पानी पी के देख लो, रह लो, मच्छरों की आवाज़ सुन लो, मच्छर जो संगीत करते ना आपको बढ़िया वो आप भी सुन लो। तो आप लोगों को घर को भी उजाड़े उससे पहले आप लोग सब मिल करके बोलना कि भैया हमारे ऊपर ट्रेन चला दो, हम ट्रेन के ट्रैक पर बैठे, कम से कम जो है लोगों को विस्थापित करने से पहले सम्मानपूर्वक उनका विस्थापन उनका पुनर्स्थापन होना चाहिए, ये मांग हम सरकार से कर रहे हैं। पर आप लोगों की बात से, आप लोगों की जो भी बातें यहाँ पर आई हैं उसको हम लेने जा रहे हैं। छुआछूत अगर कोई करता हुआ पाया जाए तो उसके खिलाफ SC ST एक्ट में मुकदमा ठुकना चाहिए, जो उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा। SC ST एक्ट यहाँ पर लागू नहीं है और उसके उस कानून अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट जो आपको पानी नहीं देता, जो मैला ढोने के लिए आपको मजबूर करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और अभी तक ऐसा नहीं हुआ। जो एक्ट है वो एक्ट के अनुसार मैला ढोने वाला व्यक्ति भी और मैला ढोने काम कराने वाला दोनों अपराधी है। तो उसमें क्या हुआ, ज़्यादातर मामले में क्या हुआ कि जो काम कराता है वो बच जाता है, जो पकड़ता है वो पकड़ा जाता है। इसीलिए अभी तक लोग डर डर के बताते हैं कि मैला ढोने का काम होता है, तो सबको नगर पालिका से डर लगता है क्योंकि किसी का रिश्तेदार वहाँ सफाई कर्मचारी है। तो जब सफाई कर्मचारी होता तो अभी आप कहीं जाके पूछेंगे मैला ढोने का काम होता है, नहीं खत्म हो गया वो पैसा। अरे भैया ये समाज अगर रुका होता तो मेरे को दिल्ली से आने की जरूरत क्या है। इसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि दो शब्द हेमलता जी बोलेंगी और फिर जो है जो भी आपने सुना देखा और जो आप लोगों से कहना चाहती हैं फाइनली। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हम सभी को सुना और उम्मीद करती हूँ कि उस सुनने को शायद कहीं ना कहीं थोड़ा भी सही अमल में जरूर लाएंगे। मेरी जो बहनें हैं, जो माताएं हैं और जो पीछे जो मेरे भाई बंधु जो भी बैठे हैं, जो भी हमने आपसे कहा, विद्या ने कहा या यहाँ जो भी उपस्थित था उसने जो अपनी बात रखी, देखिए यहाँ पर जो हम आए हैं, जहाँ से भी चलकर आए हैं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना आपसे कपड़ा लेना है, ना आपसे वोट लेना है और ना ही आपसे कुछ और चीज की डिमांड है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं जिस जगह में जिस काम में आप लगे हैं उसको आप छोड़े और एक सम्मान का जीवन और एक सम्मान का कार्य आप करें। और यहाँ पर जो बहुत सी बातें उठी हैं, हम भी बिल्कुल सरकार को अपना चिट्ठी के द्वारा या जिस भी तरह से हम अपना कार्य करते हैं तो हम सरकार को अलग अलग मंत्रालयों को अपना ज्ञापन सौंपेंगे आप लोगों की तरफ से, हमारी तरफ से, कि जो आप लोग काम करते आए हैं, जिस जगह से, जिस कार्य से जुड़े हैं, उनका कम से कम सर्वे हो, जो कानून बना है उसका पालन तो हो। यहाँ तो पालन ही नहीं हो रहा है और अगर पालन आप करना शुरू करते हैं तो उसका मॉनिटर हो कि हाँ इस गांव में, इस जिले में, इस जगह पर हम ये काम इस अधिकारी से करवा रहे हैं और इस अधिकारी पे ये डंडा है कि आपको ये काम करना है। लेकिन उससे भी ज्यादा मैं आप सब लोगों से फिर गुजारिश करूंगी, मुझे नहीं पता मैं दोबारा आप लोगों से मिलूंगी या नहीं, क्योंकि ये अभी मैं आखिरी प्रोग्राम अपना करके जा रही हूँ, इसके बाद मैं अपनी रिपोर्ट दूंगी, तो मैं आपके पास दोबारा नहीं आऊंगी ये कहने कि ये काम अमानवीय है, एक धब्बा है अपने समाज पर, अपनी अपने समाज की इज्जत पर। हम कुछ भी मेहनत करें, कुछ भी करें, लेकिन कम से कम इस बुरे काम से हम दूर हों। मैं बार बार निवेदन कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ ये निवेदन शायद आप लोग समझें और अपने आस पड़ोस या गांव के लोगों को भी समझाएं कि हमें ये काम नहीं करना है, इसके अलावा दूसरे काम करते देखने हैं, कुछ और काम करके जीवन यापन करना है, लेकिन उस समाज के लोगों को दिखा देना है कि ये घृणित काम अब आपकी बारी है, जैसे हम करते आए हैं अब आपको करना है। एक बार अगर वो समाज इस काम में आ गया, यकीन मानिए कोई आपकी तरफ
तरफ उंगली नहीं करेगा कि ये तू इस समाज का है। एक बार आए तो सही, तो आपका काम है उन, जब आप छोड़ेंगे तभी तो कोई दूसरा आएगा। आने तो दीजिए, उसका मजा तो उठाइए। आपको भी अंदर बहुत अच्छा महसूस होगा जब कोई दूसरा आके आप ही की तरह काम करके दिखाएगा। तो मेरी उम्मीद है, ये विश्वास है कि आप शायद कहीं ना कहीं समझेंगे और इस काम को छोड़ेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आने का, सुनने का, धन्यवाद। माताएं बहने, आप सभी का हमारे से मन करते हुए इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करते हैं, धन्यवाद। 2013 के एक्ट के अनुसार उनकी पहचान करना ज़रूरी था, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए उन्हें मुआवजा देना ज़रूरी था। उनका जो लॉ है उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, उसको मॉनिटर करने वाला कोई नहीं है। तो ये ऐसी रिकमेंडेशंस हैं, ऐसी सिफारिशें हैं जो राष्ट्रीय महिला आयोग कंसर्न है, और हम कंसर्न मिनिस्ट्री में इसको डेफिनेटली भेजने वाले हैं। क्योंकि यहाँ ये मैं तीसरी बार में लोगों से मिलने जा रही हूँ, पहले गाज़ीपुर, फतेहपुर और लखनऊ। अभी इसी महीने में लखनऊ में आके मिलकर गई हूँ उन सभी लोगों से, और अब इस बार राष्ट्रीय महिला आयोग सोशल डेवलपमेंट फाउंडेशन के साथ मिलकर कर रहा है। तो इनकी जितनी ये इनसे जो बात करनी है, इनकी जो आवाज़ हमें सुननी है, क्योंकि कोई इनकी आवाज़ सुनने नहीं आता है, तो हमें एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, एक स्किल डेवलपमेंट इन लोगों के लिए लानी होगी जिसमें इन्हें एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके, इन्हें वो रोज़गार दिया जा सके, ताकि ये ऐसा घृणित कार्य छोड़कर उसको अपना सके। और यहाँ पर मैं जातिवाद की बात भी कहूँगी, क्योंकि ये जाति के उस पहलू पर हैं जहाँ पर इनकी गिनती भी नहीं होती है जाति में। तो इनको जब मैंने पहले भी सुना है, तो इनकी भी अपनी इन्होंने मजबूरियाँ भी बहुत बताई हैं कि जो अपर कास्ट है वो इनको बहुत थ्रेटनिंग है, जब छोड़ने की बात करते हैं तो थ्रेटनिंग है। दूसरा, रोज़गार इनके पास दूसरा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इनके अनुसार जब ये खेती और मजदूरी का भी काम करते हैं तो वो सीजनल है। लेकिन कमीशन का जो रोल होना चाहिए, ये जब नहीं कर रहा है, एक्ट बनने के बाद नहीं कर रहा है। देखिए, कमीशन इसीलिए तो इन लोगों से जुड़ रहा है कि कहाँ कमी है, कहाँ कौन नहीं सुन रहा है, कौन अधिकारी इनके पास आया है, नहीं आया है। देखिए, ये जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तो राष्ट्रीय महिला आयोग में दलित महिलाओं के ऊपर में सेमिनार भी जो कराया था, वो सबसे पहले मैंने ही कराया था 2012 में। उसके बाद मैंने एक्सपर्ट कमेटी दलित विमेन के ऊपर बनाई है, और उसके बाद ये मैनुअल स्कैवेंजिंग विमेन के साथ में हम लोग जुड़े हैं। आयोग को दोषी अधिकारियों को दंडित करने का सीधा अधिकार नहीं है। देखिए, हम तो हम बोल रहे हैं, हम रिकमेंड बॉडी केवल संस्तुति कर सकते हैं, दंडित नहीं कर सकते। और जब तक आपके हाथ में डंडा नहीं, तो आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं। देखिए, वो तो वो अभी तो कंसर्न मिनिस्ट्री भी बहुत इसमें लगी है। अगर आप पिछले न्यूज़पेपर्स में देखें तो जो केंद्र सरकार है उन्होंने अपने आंकड़े भी पेश किए हैं पीछे, और उन्होंने बोला भी है, जो राज्य खासकर 17 ऐसे राज्य थे जिन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर अभी नहीं हो रहा है, लेकिन हम सर्वे कराएंगे। तो सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि सर्वे कोई नहीं करा रहा है। तो अभी केंद्र सरकार से उन्हें भी फटकार लगी है कि आपको सर्वे कराना होगा। और इसका जो एक दूसरा एस्पेक्ट है कि ज़्यादातर फोकस है वो अर्बन एरियाज में। हमारे जैसे साथी बोल रहे थे कि जैसे डोम में इनकी बात कर रहे थे, जो वाराणसी में है, वे 2-4-5 सौ रुपये वो कमा लेते हैं। ऐसा देखिए, एक तो आइसोलेशन उसकी है, वो एक बहुत बड़ा सवाल भी है, लेकिन जो गांव में जो सेमी अर्बन टाउन्स हैं वहाँ उनकी हालत बहुत ख़राब है। कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो इधर नॉन कोऑपरेटिव हैं? किस चीज़ में? ये मैनुअल स्कैवेंजिंग। मोस्टली देखिए, अगर सर्वे हो चुका होता तो एक रिपोर्ट हाथ में होती, लेकिन किसी भी राज्य के पास एक प्रॉपर रिपोर्ट। तो जो गवर्नमेंट वाली जो चीज़ जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या एनडीए की, उससे उसके जो स्टेट मतलब तो उसकी पार्टी के जो स्टेट है उसमें तो होना चाहिए। देखिए, हमने इसको अभी टेकअप किया है और धीरे धीरे इसकी पेटे पे जा रहे हैं। मैं मैनुअल स्कैवेंजिंग की बात कर रही हूँ, जिससे हम अभी जुड़े किसी साल जुड़े। तो 2012 में जो सेमिनार हुआ वो दलित विमेन के ऊपर में था, उसमें मैनुअल स्कैवेंजिंग था, बट जो डिटेल हमने 2013 में शुरू करना शुरू किया। देखिए, ये जो योजना बनती है बेसिकली 2014 से स्टार्ट हुआ है, मतलब लास्ट ईयर 2013 से। ओके, ये इशू मतलब उठा उठ गया। ये जो योजना है कराने की जो जिम्मेवारी है, इसको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेवारी है, डीएम का काम है, एसडीएम का काम है, कहाँ नजारा था। तो
लास्ट टाइम हम गाजीपुर में आए, हमारे साथ अधिकारी बैठे थे, हमने उनको बोला आपको पता है ये सब चल रहा है? नहीं, हमें मालूम ही नहीं ये सब चल रहा है। मैम नेक्स्ट मीटिंग आपकी फिर यही होगी आसपास के जिलों में? नेक्स्ट मीटिंग आप कहाँ कर रहे हो? ये मेरा यहाँ पे फाइनल मीटिंग है, इसके बाद मैं अपनी रिकमेंडेशन भेज दूंगी। हाँ। अपने लेटर भी यहाँ के जो राज्य में जो हमारे अधिकारी बैठे हैं उनके पास भी मेरे लेटर्स जाएंगे। देखिए वो तो रिवील करेंगे, अब जो हमारे केंद्र सरकार है वो रिवील करेंगे। वैसे बेहतर होगा कि अगर आप एक बार जो बोलेंगी मैं थैंक यू सो मच। योर नेम? पंखुड़ी। आई एम फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया। ओके, थैंक यू।